हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, बिहार में बिहार जीविका में टोटल 3,500 से ज़्यादा पदों में बहाली में वैकेंसी आई है। तो इसी फॉर्म के रिगार्डिंग मैं सारी बातें को बताने आया हूँ। ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में कितना पोस्ट है, पूरा वेरियस पोस्ट के बारे में बताऊँगा, लास्ट डेट क्या है, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना, कौन लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये सारी बातें को आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहा बिहार जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ। नीचे आते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा जो फुल्ली वैकेंसी आया है जीविका में, टोटल 3,500 से ज़्यादा। चलिए हम सभी को बारी बारी से बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दिखाता हूँ आपको टोटल जितना भी है पोस्ट, वो कितना आया है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा सीरियल नंबर है, इधर आपको पोजीशन है, इधर नंबर ऑफ वैकेंसी बताया गया है। देख सकते हैं किसी में एक, किसी में एक है। तो और आते हैं नीचे तो देख सकते हैं, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 16, किसी में 1800, 1900, किसी में 400 वैकेंसियाँ हैं। अब आते हैं इधर तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो आपका पेमेंट है, मंथली कितना पेमेंट मिलेगी। दोस्तों देख सकते हैं, अब ये रहा दोस्तों अप्लाई डेट, कब से आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों सभी को जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, टोटल जो है पोजीशन है वैकेंसी का, टोटल 37 है। दोस्तों आप देख सकते हैं, 37 को बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट जो ज़्यादा बन जितना हमसे हो सकता है उतना मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर से आता हूँ, जहाँ वन देख सकते हैं, वन नंबर देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, जो आपको माइक्रो फाइनेंस के लिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है एक है। और इसका जो सैलरी है 46 से 63 हज़ार के बीच है। इसका अप्लाई कर सकते हैं 18 मार्च के बाद, 18 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का, जैसे ये लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं उस पर स्पेशल एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि इस तरह से फॉर्म को फिल करना, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, मैं उस पर स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाकर आपको लोगों को दिखा दूंगा। अगर वो वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। अब आते हैं दोस्तों नीचे, तो देख सकते हैं लगभग जो देख सकते हैं, ये रहा सबका 1111 वैकेंसी है दोस्तों। और सबका जो सैलरी भी है लगभग सेम ही है, 46 हज़ार से 30 हज़ार के बीच। जो देख सकते हैं, 4 नंबर है जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है, पोस्ट पर है। उसका देख सकते हैं 6 नंबर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अल्टरनेट बैंकिंग के लिए है। तो दोस्तों आ जाते हैं नीचे, जो देख सकते हैं यहाँ पर जो है 9 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, जो 9 नंबर का भी टोटल 1 वैकेंसी है, इसका जो सैलरी भी सेम है। अब आ जाते हैं जो है ये 11 नंबर जो देख सकते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट में टोटल 4 वैकेंसियाँ है, जिसका सैलरी है लगभग 24 हज़ार से 34 हज़ार के बीच है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो देख सकते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी वैकेंसियाँ आई है, जहाँ देख सकते हैं आपके पास डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए टोटल 6 वैकेंसियाँ हैं, 6 पोस्ट हैं, जिसका सैलरी है 44 हज़ार से लेकर 72 हज़ार के बीच। दोस्तों देख सकते हैं, 44 हज़ार से 72 हज़ार के बीच आपका सैलरी है। दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा सा हैंडसम सैलरी है, जो है पोस्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। आप सब ये सभी को फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ 18 मार्च से। अब आते हैं नीचे दोस्तों, देख सकते हैं जो हमारा है, उस पर आ जाते हैं। चलिए चलिए देख लेते हैं, उसके बाद आप रीड कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो वेबसाइट का लिंक है, इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, डायरेक्ट आप उस लिंक को क्लिक कर ये टोटल जो वैकेंसी का जो नंबर है वैकेंसी है, उसे आप आसानी से अपने अनुसार रीड कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तो आपको बहुत जल्दी कुछ कुछ को स्किप करके भी बता रहा हूँ, तो आप अपने अनुसार से जो आपको अप्लाई करना है आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार आप वो अप्लाई कर दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं जो है हमारा है 22 नंबर, जो है मैनेजर लाइवलीहुड जो है फॉर्म के लिए, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है, इसका सैलरी है जो 31 हज़ार से 43 हज़ार के बीच है। अब आते हैं जो नीचे दोस्तों, देख सकते हैं ये रहा मैनेजर है जो कम्युनिकेशन के लिए है, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है, इसका सैलरी आप देख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों, ये रहा नीचे जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट के अनुसार, यहाँ के ब्लॉक लेवल के आपका अब आ गया है वैकेंसी। दोस्तों देख सकते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए दोस्तों टोटल है 23 वैकेंसी है, जिसका जो सैलरी है 31 हज़ार से 43 हज़ार के बीच है। उसके बाद आते हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए दोस्तों, देख सकते हैं टोटल 271 वैकेंसी है, उसका जो सैलरी है आपका 28 हज़ार से 38 हज़ार के बीच है। अब आते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए, जिसमें टोटल 474 वैकेंसियाँ है। उसके बाद आ जाते हैं अकाउंट जो है ब्लॉक लेवल के अनुसार, जिसमें टोटल 300 वैकेंसियाँ है। उसके बाद आते हैं ऑफिसर असिस्टेंट, जिसमें टोटल 306 वैकेंसियाँ है। उसके बाद आ जाते हैं जो लास्ट हमारा 37 नंबर है, जो है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर, जिसमें टोटल 1800 से ज़्यादा, यानी कि लगभग 1900 वैकेंसियाँ है। और सभी का दोस्तों देख लीजिएगा, किसी का सैलरी है 13 हज़ार से 19 हज़ार के बीच, तो किसी का सैलरी है 19 हज़ार से 26 हज़ार के बीच, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था टोटल वैकेंसी वाइज डिटेल्स और टोटल सैलरी वाइज डिटेल्स। अब आज जान लेते हैं कुछ इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देख सकते हैं यहाँ पर नोट बताया गया है, जहाँ देख सकते हैं कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार बताया जा रहा है कि इसका रिक्वायरमेंट होगा, जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स होगा वो पर रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन फर्दर स्टेज
फॉर द रिक्वायरमेंट एंड फ्रेश मैनेजर। अब आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसे आप अपने अनुसार भी पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं कितना महीन लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ। अगर पूरे डिटेल से बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ कुछ, कि जो ये वैकेंसी आई ये एक संविदा पर वैकेंसी है। संविदा करने का होता है दोस्तों, ये 3 साल का बॉन्डिंग वैकेंसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है टोटल 3 साल का बॉन्डिंग वैकेंसी है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेंशन किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं ये रहा आपका, यहाँ पर बताया जा रहा है पोजीशन, पोजीशन अंडर BRLPS आर ऑफर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। रिन्यूअल कंस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं टोटल बताया जा रहा है कि 3 साल के लिए है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है तो आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, या दोस्तों कंटिन्यू आपको जॉब करने के लिए ऑफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका ये परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो ऐसे 3 साल के लिए है दोस्तों। जो लोग एलिजिबल हैं तो वो जाकर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अच्छा है दोस्तों, अच्छा खासा वेतन है आपको, 3 साल तक आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है क्या कि यहाँ पर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनको रख लिया जाता है और परमानेंट कर लिया जाता है। आप देख लेते हैं कि फॉर्म का कितना फी है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर दे जा रहा है कि टोटल फॉर्म का जो फी है किनके लिए, BC, EBC और जनरल के लिए, उनके लिए 500 रुपये देना होगा जो नॉन रिफंडेबल है दोस्तों। आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा तो आपका ये मनी रिफंड नहीं होगा। और जो बाकी बच गया SC ST और दिव्यांग वाले लोग जितने भी हैं उनके लिए 200 रुपया फॉर्म का चार्ज है। तो दोस्तों जाकर आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अब इधर देखते हैं कुछ और बताया जा रहा है दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको मैंडेटरी बेनिफिट दिया जा रहा है जो है 5% और 30% दोस्तों देख लीजिएगा। जो आप एक्स्ट्रा जॉब कीजिएगा तो उसके अनुसार एनुअली आपका बेसिक दिया जाएगा। जहाँ पर आपका मेडिकल भी कुछ छूट दिया जाता है, जैसे फैमिली के लिए कुछ होता है, लैपटॉप जो परचेज करना होता है, ये सारा आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, ये साइड से आपको पैसा मिलेगी। और दोस्तों आप अपने साथ यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ओनली सच एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी कंसिडर्ड एज आर अप्रूव बाई द AICTE या MHRD या रिस्पेक्टिव स्टेट। दोस्तों देख सकते जो लोग जिस स्टेट से हैं और उस स्टेट से AICTE और MHRD से किसी प्रकार का उनके पास सर्टिफिकेट है या ये कोर्स किए हुए हैं तो वो आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिंपल से आपको जाकर अप्लाई कर देना है। 18 तारीख जिसने दोस्तों आएगा 18 मार्च, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आप दोस्तों कुछ मिस हो रहा हो तो आप रीड कर लीजिएगा दोस्तों अपने साथ। हाँ दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इसी तरह का अपडेटेड न्यूज़ देने आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं टोटल, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि जो ये पोजीशन है कितना पोजीशन पे वैकेंसी आई है। दोस्तों दिखाता हूँ सीरियल नंबर टोटल कितना तक जाता है दोस्तों। ये रहा टोटल 37 सीरियल नंबर है दोस्तों, तो 37 को बताना संभव नहीं है एक एक करके, तो अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो चलिए मैं फटाफट जो इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ऊपर आता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला दोस्तों देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, जो माइक्रो फाइनेंशियल के लिए, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है दोस्तों। और इसमें जो सैलरी है आपका 46,000 से 36,000 के बीच है। इसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 18 मार्च के बाद ही, या 18 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना भी जो आप देखते हैं पोस्ट 1 है देख सकते हैं, इसके दोस्तों देख सकते हैं ये पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी 1 पोस्ट है। उसे प्रोजेक्ट मैनेजर जो मार्केटिंग एंड इनोवेशन के लिए टोटल 1 पोस्ट है। उसके बाद इधर आते हैं दोस्तों देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, नन फार्मर के लिए टोटल 1 पोस्ट है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, डायरेक्ट आपसे लिंक क्लिक कर पर्सनली आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों नीचे जो दे सकते हैं, यहाँ पर है जो एक है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, जिसमें टोटल 4 वैकेंसियाँ हैं, 4 पोस्ट है, जिसका सैलरी आपका सेम है। अब आते हैं जो नेक्स्ट है दोस्तों देख लीजिएगा, कैशियर में जो कैशियर में दोस्तों देख सकते हैं सिंपल सा आपका जो वैकेंसी 1 है, और इसका सैलरी है 20,000 से 34,000 के बीच है। अब आते हैं दोस्तों ये रहा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन के अनुसार जो आपका वैकेंसी आई है, जो देख सकते हैं पोजीशन टोटल कितना है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए टोटल 6 पोस्ट है, जिसका सैलरी है दोस्तों देख सकते हैं अच्छा खासा सैलरी है, 44,000 से 72,000 के बीच आपका सैलरी है। इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 18 मार्च के बीच, 18 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो 17 नंबर देख लीजिएगा, मैनेजर इंस्टीट्यूट बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, इसका जो सैलरी आप देख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों जो 20 नंबर डायरेक्ट, जहाँ पर देख सकते हैं मैनेजर हेल्थ एंड न्यूट्रिशियन के लिए जो टोटल 3 वैकेंसियाँ हैं,
इसका जो सैलरी है 81,000 से ज़्यादा है। अब आते हैं दोस्तों नीचे है जो हमारा देख लेते हैं 26 नंबर दोस्तों देख लेते हैं जो है मैनेजर कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें टोटल 9 वैकेंसियाँ है। ऊपर देख सकते हैं मैनेजर नन फार्म एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए टोटल 20 वैकेंसियाँ है।